पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, किन मुद्दों के साथ क्या बातें लेकर जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है, चार पंचवर्षीय योजना में 20 साल गुजर गए, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, देश में भाजपा की सरकार, चार पंचवर्षीय योजना में 17 लोकसभा में सांसद जी कोई ऐसा काम बता दें जिसे लोग याद करें। मैं गांव की बात नहीं करता, मैं सिर्फ एक काम की बात करता हूं जो महत्वपूर्ण काम हो उनके द्वारा किया गया हो। सिर्फ घरवाद, परिवारवाद, धंधा व्यापार, फैक्ट्रियों के ठेके, और अंत में जब वोट का समय आए तो साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र, भारतीय जनता पार्टी राम के चरित्र आदर्शों पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति करती है, चाल चरित्र चेहरे की बात करती है। इतना सीनियर सांसद यदि चाल चरित्र चेहरे के स्थान पर यदि ये बताएं कि साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहां जा रही है, ये सब सोचने का विषय है। लोग समझदार हो गए हैं, हम विकास के आधार पर राजनीति पे आए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो मूल बेस गांव के समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति, और जिसको बोलते हैं कि अग समाज का व्यक्ति, दोनों का जब सामंजस्य होगा तो अपने आप को ताकत, एक और एक बराबर दोनी, एक और एक 11 कहलाएगा। और हम ये मुद्दा भी है जो भारतीय जनता पार्टी है उसको हम भी मुद्दा बनाएंगे। राम तो हमारे चित्रकूट धाम में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्य, ये जन्म जन्म वाला देश नहीं है, कर्म वाला देश है। तो कर्म प्रधान विश्व करी रखा, राम के जन्म अयोध्या में, यहाँ राम तब भूमि आए तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। वो भी हमारा एक विकास का मुद्दा होगा कि चित्रकूट परम धाम राम की तपोभूमि उपेक्षित और वीरान दिखता है, तो वो भी हमारा एक मुद्दा है। उसका पूर्ण विकास हो चुके कामतानाथ धाम का, चित्रकूट को भी जिला बनना चाहिए, सतना को संभाग बनना चाहिए, यहाँ तमाम बच्चों के एजुकेशन की तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हमने मैयर में करके दिखा दिया, कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहे। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तीनों सर्किल में भव्य कॉलेज है और भव्य बिल्डिंग है। मैयर कॉलेज में सतना से ज्यादा पीजी के विषय है। हमने मैयर में मैयर को जिला बना के बता दिया कि काम किस तरह किया जाता है, आप विपक्ष में रहके और ज्यादा बेहतर काम कर सकते हो। हमें सदन जाने तो दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से सतना लोकसभा और बिंद के तमाम उन लोगों के जो सपने हैं, जिन सपनों को लोग देखे हैं कि बिंद प्रदेश बनना चाहिए, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में चार चार छोटे राज्य बनाने का संकल्प पारित कर चुकी है विधानसभा में। बिंद मुद्दा हमारे लिए इतना बड़ा है कि बिंद के का पुनर्निर्माण हो और बिंद के लोगों का कल्याण हो, गरीबों का कल्याण हो, ये लड़ाई भी लड़ेंगे और बड़े आनंद के साथ बिंद का भी पुनर्निर्माण कराएंगे। और ये जो मामला जो डेवलपमेंट का, उस डेवलपमेंट को विश्वास दिलाता हूँ सपना लोकसभा के एक एक मतदाता को कि बेहतर करके देंगे, ऐसा करके देंगे जो ऐतिहासिक कहलाएगा और एक एक आदमी उसको देखेंगे सुनेंगे। भाजपा के इस बात की अफवाह है या सत्य है ये भी हल्ला चल रहा है उसके में कि नारायण त्रिपाठी जी हमारे द्वारा लड़े गए। भाजपा बड़ी डरी सहमी हुई है पूरे देश में, कोई सपना भर में नहीं, पूरे देश में यही हाल है। मुझे एक बात बताइए, कोई दल जो चाल चरित्र चेहरे की बात करे और वो झोला खोल के रख ले, झोली फाड़ ले और एक प्रकोष्ठ बना दे कि आओ इसमें भर्ती हो जाओ, चारों तरफ लोग लगे हैं, तुम कितने लोगों को भर्ती करवाई, तुम कितने सदस्य बनाए, तुम कितने सदस्य, इससे सिद्ध नहीं होता कि ये डरे सहमे लोग हैं। नारायण त्रिपाठी के नाम का अभी बैहर में भी यूज किए, जिस दिन वोट पड़ा था उसके एक दिन पहले रात को 11:30 बजे मेरी अपील की गई 18 की कि मुझे वोट देकर मुझे बिजी बनाए, भारतीय जनता पार्टी को बिजी बनाए। तो जब मेरे नाम का उपयोग इन छोटी छोटी चीजों में करते हैं तो इनकी किसी की हैसियत नहीं है कि मैं किसी का प्यादा और मोहरा बन सकूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के टॉप शीर्ष नेतृत्व से डायरेक्ट आमने सामने लड़ाई लड़ा हूं, जब भाजपा के सत्ता के लोग नहीं खरीद पाए तो ये मुझे अपना प्यादा और मोहरा नहीं बना सकते। मैंने दोनों दल को चलाया है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सालों ये मीडिया भी जानता है, पूरे लोग भी जानते हैं। तो मैं लोगों के अनुसार चलने वाला नहीं हूँ, मैं अपने अनुसार चलाने वाला हूँ।